स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दाइपल स्केट सी वॉट इज इट गुडमैन स्केलिंग इंडेक्स वॉज डिवेलड बाय द लुइस गुडमैन इनटीन फोर्टीजन वेदर देर वॉज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंगेटर्स यानी हम इसमें जब ये स्केल डिवेलप करते हैं तो वी अज्यूम दैट जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, आर हेरिकली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर द इंडिकेटर वन हैज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिकेटर टू एंड इंडिकेटर थ्री एंड सो ऑन तो इसमें हम uh, इसको एक हायरार्किकल रिलेशनशिप में देखते हैं इसके इंडिकेटर्स को एंड लुइस क्विटमिन वाज ईगर टू लर्न वेदर मल्टीपल इंडिकेटर अबाउट एन इशू हैड एन अंडरलाइंग सिंगल डायमेंशन और क्यूमुलेटिव इंटेंसिटी यदि उनका जो मानना था कि जो है आ, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ही डायमेंशन को मेयर कर रहे होते हैं या उनमें कोई एक तरह से क्यूमुलेटिव इंटेंसिटी भी होती है एंड टू यूज़ गुडमैन स्केलिंग वी वी बाय मेजरिंग अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स और आइटम्स देयर कैन बी अ अस्टनियर आइटम वोड्स और ऑब्जर्व कैक्टरिस्टिक्स ये हम किसी का जो है एक्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी के वोड्स को भी देख सकते हैं और वो एक सिंपल क्वेश्चन uh, फॉर्म भी हो सकती है जिसमें कोई हम लोगों का एटीट्यूड देख सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें गुडमैन स्केलिंग इंडेक्स को तो वी आर इंटरेस्टेड टू नो द नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड अबाउट अप थ्री थिंग्स अबाउट हर एज हर टेलीफोन नंबर एंड थ्री लोकल इलेक्टेड पोलिटिकल ऑफिशल्स सो ऑल दीज थ्री आइटम्स एज टेलीफोन नंबर अलेक्टेड पोलिटिकल ऑफिशल्स ये uh, हम समझते हैं ये इन शेप ऑफ अ हायरार्की की यानी एक छोटी बच्ची जो है उसको पहले तो अपनी उम्र पता होनी चाहिए फिर उसको अपना फ़ोन नंबर पता होना चाहिए और फिर उसको जो है वो पॉलिटिकल इलेक्टेड ऑफिशल्स का पता होना चाहिए तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इसकी एट पॉसिबल आंसर कॉम्पजिशन बनती हैं कॉम्बिनेशनस बनते हैं जो कि वो आपको आंसर कर सकती है यानी कि वो सिर्फ अपनी एज जानती है और उसको बाकी दो का नहीं पता या उसको सिर्फ़ एक का पता है और इन दो का नहीं पता वन और थ्री का टू का पता है उसको उसको सिर्फ थ्री का पता है और वन टू का नहीं पता ऐसे हम देखें तो उसकी एट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं तो हम जिसमें उसको तीनों चीज़ों का पता होगा हम उसको हाई वैल्यू करेंगे और जिसमें उसको तीनों चीज़ों का नहीं पता होगा उसको हम लो वैल्यू करेंगे तो गुटमैन स्केलिंग इंडेक्स भी सोशल साइंसेज में यूज़ होता है इन पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन और हम इसको यूटिलाइज करते हैं जब हम आ, ये ज्यूम करते हैं कि हमारी जो आइटम्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और इन शेप ऑफ़ हेरार एग्जिस्ट करती हैं